तो भाई नेक्स्ट, इट्स ऑन पेज नंबर 8 ऑफ योर एनसीईआरटीज, और उसका नाम है हेडिंग का द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, मतलब रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई। अब लुई 16 जो था वो अपने टैक्स वगैरह के लिए तो सोच ही रहा था, जो हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था, जो ये ऊपर आपको ब्लू ऐसे हेडिंग करके ऐसे लिखे हुए मिलते हैं ना, ऐसे ये टू, इनको सब सेक्शंस बोलते हैं, याद रखना है। ये फ्रांस जो है इट वाज अंडर मोनार्क, लेकिन उसमें एक चीज थी, इसको बोलते थे हम ओल्ड रिजाइम्स। ओल्ड रिजाइम्स जो है इट डिस्क्राइब्ड अबाउट सोसाइटी एंड फ्रेंच इंस्टीट्यूशंस की कैसे ये काम करती थी चीजें। इसके लिए एक चीज चाहिए थी कि भाई जो मोनार्क को टैक्स बढ़ाने थे, टैक्स जो इंक्रीज करने थे, तो उन्हें ओल्ड रिजाइम से परमिशन लेनी ज़रूरी थी। अब इसमें जो मेंबर्स होते थे वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे तीनों ही स्टेट के, एक ग्रुप के बंदे की एक वोट होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे जब मीटिंग बुलाई गई स्टेट जनरल्स की, तो किंग मतलब वहाँ जाता ही ऑब्वियसली, उसको तो टैक्स इंक्रीज कराने थे। तो लोगों ने वहाँ पर एक डिमांड रखी कि भाई हमारा जो एक मेंबर वन ग्रुप वन वोट वाला सिस्टम है ना, अभी तक क्या था कि एक ग्रुप का बंदा एक वोट देगा, मतलब आपका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, समझ आई, कि फर्स्ट ई स्टेट से एक, सेकेंड ई स्टेट से एक, और थर्ड ई स्टेट से भी एक। तो यहाँ डिमांड ये की थर्ड ई स्टेट वालों ने कि वन ग्रुप वन वोट नहीं, हमें 1 पर्सन 1 वोट चाहिए। ठीक है, कि एक मेंबर की एक वोट होनी चाहिए, लेकिन वो तो रिफ्यूज कर दिया लुई 16 ने। क्यों? क्योंकि भाई उसे भी पता है कि थर्ड स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो 90% पॉपुलेशन है ना। अब 90% पॉपुलेशन, इसका मतलब उनकी चल जाएगी, तो वो टैक्स इंक्रीज कैसे कराएगा। अब जब वो लुई 16 ने मना कर दिया, तो जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स से उनको थोड़ा, हाँ एक चीज़ और हुई थी इसमें कि उनको जो है ना, मतलब वर्सले जो उनका महल था उसमें मीटिंग बुलाई गई थी, तो फर्स्ट और सेकेंड ई स्टेट के कितने थे, 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच, उनकी जो चेयर्स वगैरह मतलब उनका जो सिटिंग अरेंजमेंट था वो फर्स्ट रो में था, और थर्ड ई स्टेट के जो मेंबर्स थे उनको ऐसे मतलब ढंग से बैठने बैठने की भी उनकी पोजीशन नहीं थी कहीं पे, तो इससे भी उन्हें थोड़ा बेइज्जती वाली बात महसूस हो गई। अब वो जो है निकल के वहाँ से कि हमारे तो बेइज्जती हो गई, चलो हम नहीं रहते हैं, हम तो चल लें, तो वो वर्सेले से जो है बाहर आ गए। अब बाहर आके उन्होंने 20 जून को टेनिस कोर्ट एक वहाँ पर था, वहाँ पर सारे मिले और उन्होंने मिलके वहाँ पे ये डिसाइड किया कि भाई एक तो हम जो थर्ड स्टेट है ना, हम अपने आप को अब नाम देते हैं, हम जरा नेशनल असेंबली, थोड़ी पढ़े लिखो वाली बात करते हैं, हम नेशनल असेंबली अपने आप को नाम दे दिया उन्होंने। ठीक है, और क्या किया, क्या बोला उन्होंने कि ये जो किंग है ना, ये थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनली चलना चाहिए इसको। अब नेशनल असेंबली ने क्या किया, वर्सल मतलब वो जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीज़ थी उसको बनाना शुरू किया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कष्ट लेना पड़ेगा, और वो कष्ट ये है कि यू विल हैव टू गो टू पेज नंबर 3 ऑफ योर एनसीईआरटीज, जहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है, 14 जुलाई 1789 की सुबह। मतलब जो डेलीगेट्स थे वो लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लग गए थे, लेकिन जो पब्लिक है वो इतनी परेशान हो गई थी, राजा से सबसिस्टेंस क्राइसिस भी था, खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, लेकिन राजा को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कुछ कर ही नहीं रहे हमारे लिए, और अगर कोई उसके अगेंस्ट जाता था तो वो उनको जेल में डाल देता था, एंड द नेम ऑफ जेल वॉज बेस्टाइल। स्पेलिंग इसकी गड़बड़ लग रही है, TIL, हाँ ठीक है, BAS
TILLE. तो बेस्टाइल जो जेल थी उसमें उनको डाल दिया था। ठीक है, अब 14 जुलाई की सुबह क्या हुआ, अराउंड 7000 पीपल, 7000 मैन एंड वेमेन, ये चीज़ याद रखना, काम आएगी हमारे आगे, मैन एंड वेमेन जो हैं वो इकट्ठा हुए और वो बेस्टाइल की तरफ चल पड़े। ठीक है, अब वहाँ जाके उन्होंने मतलब घुस गए अंदर और जितने भी जेल में थे लोग उन सबको बाहर निकाल दिया कि चलो भाई तुम आज़ाद हो गए, और उस जेल को पूरे अच्छे से तहस नहस कर दिया, उसकी सब चीज़ें उठा कर ले आए, यूज्ड बुलेट्स जो पड़ी थी वो भी ले आए, होर्डिंग्स पड़े थे वो ले आए, मतलब जो भी कुछ उन्हें हाथ लगा ना सब ले आए, क्योंकि उन्हें सिर्फ क्या करना था कि हमारी बेइज्जती हो गई अब जरा हम राजा को देख लेते हैं। ठीक है, फिर ये शुरुआत हो गई, फिर ऐसे ऐसे इवेंट्स जो हैं वो शुरू होने लग गए। और इसको जो है राजा ने सप्रेस करा दिया था बाद में, फिर जो भी छोटे मोटे ये ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी राजा मिलिट्री भेज के, वो तो ऑब्वियसली सभी राजा करा देते थे, अभी भी यही होता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल कि ऐसे ऐसे जो है बेस्टाइल की चीज़ें भी देखी हमने, और ये देखा कि नया जो ये नेशनल असेंबली जो नाम आया ये कैसे आया, टेनिस कोर्ट में क्या डिसीज़न हुआ। ठीक है, फिर 4 अगस्त 1789 ये जो नेशनल असेंबली बनी थी इसने एक रूल्स पास किए। अब उन रूल्स के अकॉर्डिंग क्या था कि जो ये फर्स्ट और सेकंड ई स्टेट के मेंबर्स हैं उनको अपने जो प्रिविलेजेस हैं वो ख़त्म करने होंगे। ठीक है, और जो तुम्हारे ये चर्च का टैक्स है ना ये हम पे नहीं करेंगे, और जो चर्च की लैंड है दैट हैज़ टू बी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, तो ये वाली सारी चीज़ें जो हैं शुरू होनी शुरू हो गई, ये हो गया। ठीक है, ये जो जो इन्होंने चीज़ें दी नेशनल असेंबली ने उसको राजा को एक्सेप्ट करना पड़ा। ठीक है, अब लोग पब्लिक जो बगावत पे उतर आई थी तो बेचारे लुई 16 को लगा कि चलो ठीक है इनकी बात थोड़ी सी मान लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना लो तुम, चल लेंगे इसके हिसाब से ही। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या हुई भाई कि तिथे जो था वो अबॉलिश कर दिया, चर्च की जो लैंड थी वो गवर्नमेंट के पास आ गई, प्रिविलेजेस ख़त्म हो गए। अब जो गवर्नमेंट ने ये सब कुछ ये एक्वायर की ना चर्च वाली लैंड, इससे इन्हें प्रॉफिट हुआ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवर्स, ये वहाँ की करेंसी थी, 2 बिलियन लिवर्स का इनको फ़ायदा हुआ। उससे क्या हुआ, जो फ्रांस के ऊपर डेप्थ है जितना भी कर्जा था वो सब उतर गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट इज फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। एक होता है मोनार्क, मोनार्क का मतलब होता है भाई राजा, आपको पता ही है, 9th में आ गए अब तुम, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें याद रखो। कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं टू गवर्न अ कंट्री, है ना। अब ये यहाँ पर जो चीज़ आई दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब राजा होगा लेकिन वो राजा किसके हिसाब से काम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इन्होंने अपने कुछ रूल्स मनवाए थे एंड कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड टिल 1791। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, पावर्स जो है देवर डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, अब इसका एक ये डायग्राम आपके एनसीईआरटीज में दिया हुआ है, लेट मी शो यू दिस। देखो, जुडिशरी ऑब्वियसली जजेस इन्वॉल्व हेयर, एग्जीक्यूटिव राजा हो गया, और लेजिस्लेटिव नेशनल असेंबली वाले जो लोग थे। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, कोशिश करना, समझ आ जाएगा। अब ये जो सिटीजन्स हैं, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स, दो टाइप ऑफ सिटीजन्स में ये चीज़ डिवाइड हो गई। अब एक्टिव सिटीजन्स कौन से बने, जो वोट कर सकते थे। ठीक है, तो ये कौन से हो गए, अबाउट 4 मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन, 28 मिलियन में से 4 मिलियन जो हैं एक्टिव सिटीजन्स हो गए थे। और ये एक्टिव किस बिहाफ पे थे, जिसके भी पास प्रॉपर्टी थी प्लस
इनको क्या था, वोट देने का अधिकार था, और पैसिव सिटीजन्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं थे। 3 मिलियन तो इनमें आदमी थे और वुमेन चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25। मतलब क्या हुआ कि वोट देने का अधिकार उन्हें था जो 25 साल से ऊपर हो, प्लस आदमी हो, प्लस उनके पास प्रॉपर्टी हो। देखा क्लासिफिकेशन कैसे किया इन्होंने। अब वो वोट कर रहे हैं जज को बनाने के लिए भी, और इलेक्ट वोट किया आपस में से 50,000 आदमी इलेक्ट हुए। अब उनमें से कुछ लोग इलेक्ट होकर जाएंगे नेशनल असेंबली में, 475 मेंबर्स जो होंगे, ठीक है। अब ये जो मेंबर्स हैं वो किंग के मिनिस्टर्स को और किंग को कंट्रोल करेंगे। बात क्लियर हुई? एक्टिव सिटीजन्स, पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स में से वोटर्स ने वोट करके यहाँ इलेक्टर्स निकलेंगे, इनमें से वोट करके फिर नेशनल असेंबली निकलेगी, और यही लोग जज के लिए वोट करेंगे और ये इनको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो ये जो लोग हैं एक्टिव सिटीजन्स जो हैं, इन्होंने किंग को डायरेक्टली तो इलेक्ट नहीं किया, इनडायरेक्ट हुआ सिस्टम। बीच में दो तीन सिचुएशंस हैं, दो तीन स्टेप्स हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज द असेंबली। सिटीजन्स ने क्या किया, इलेक्टर्स को चूज किया और उन्होंने असेंबली को चूज किया, ठीक है। ओनली मेन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज हु पे टैक्स इज इक्वल टू एटलीस्ट 3 डेज ऑफ द लेबरर्स वेज वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। 25 साल के ऊपर जो आदमी थे, प्लस जो 3 दिन की जो लेबरर्स वेज थी उसको एज टैक्स देते थे, ठीक है। फोन की बैटरी खत्म हो गई, कल करते हैं और, ठीक है। ओके, लेट्स कंटिन्यू अनदर क्लास। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ लिया करो कंजरो।